हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी का कोर्स करिकुलम क्या है और वन बाय वन सब्जेक्ट में देखेंगे कौन सी कितनी क्लासेस हम लोग लेंगे और कौन सी कितने वेटेज का है अप्रॉक्सली, राइट। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट क्या है क्लास 11th में। हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है कॉमर्स में जिसे हम बोलते हैं अकाउंटेंसी, राइट। तो उसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 16 चैप्टर्स हैं। बाकी किसी अलग अलग बुक में देखोगे तो 17, 18, 19 है, बट बेसिकली ये हमारे पास चैप्टर्स हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। जैसे आपने जब साइंस ली होगी तो आपने फिजिक्स समझा होगा, केमिस्ट्री समझा होगा, बायोलॉजी समझा होगा। तो ये अकाउंट्स आपके लिए फ्रेश सब्जेक्ट है, ये 10th तक आपने नहीं पढ़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स, अब अकाउंट्स तो पढ़ लिया आपने, क्या होती है अकाउंट्स के मेरिट डीमेरिट, इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब कुछ टर्म्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, राइट। जैसे असेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, रिवेन्यू क्या है, लॉस क्या है, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी होती है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को, बेसिक टर्म से स्टार्ट करता हूँ ताकि बच्चा कॉमर्स के सब्जेक्ट से फैमिलियर हो जाए, राइट। उसके बाद हमारे पास शुरू होता है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 11th की बात की जाए तो हमारे पास थ्योरी के चैप्टर्स भी हैं और प्रैक्टिकल के चैप्टर भी हैं। 12th में मोस्टली प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। फिर हमारे पास एक चैप्टर शुरू होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि ये एक ऐसी इक्वेशन बनाता है, कहता है असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। उसके बाद हम थ्योरी समझेंगे, और थ्योरी नहीं, इसको मैं बोलता हूँ लॉ समझेंगे, अकाउंट्स का लॉ, यानी गोल्डन रूल्स इसको बोलते हैं। अदर बुक में आप देखोगे इस चैप्टर का नाम अलग है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। यानी अकाउंट्स में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे मान लीजिए एक तराजू है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, दोनों तरफ बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो एक अकाउंट्स में डेबिट होता है, एक अकाउंट्स में क्रेडिट होता है, ठीक है। जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो एक चीज़ को डेबिट करते हैं, एक चीज़ को क्रेडिट करते हैं। अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये इस चैप्टर में सीखना है, क्लियर। फिर हम वाउचर्स बनाना सीखते हैं। वाउचर्स क्या होता है, जैसे किसी शॉप में आप जाते हो तो आपको स्लिप मिलती है, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पर्ची मिलती है। तो वो स्लिप को हम वाउचर बोलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जब आप जाओगे तो आपको बहुत बड़ा एक वाउचर मिलेगा, यानी एक रसीद आपको मिलेगी कि आपने सेल किया है, परचेज किया है, परचेज रिटर्न किया है, सेल रिटर्न किया है, क्या किया है आपने, पैसे दिए हैं, है ना। नॉर्मली कभी आप जाते हो तो पैसे पे करते हो, कहते हो मुझे रसीद दे दो, ये वाउचर्स, क्लियर। उसके बाद पहला चैप्टर जो कि हमारी अकाउंट्स की स्टार्टिंग है, उसे हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल का मतलब होता है जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में होती है तो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल में। और इस जर्नल को सीखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, गोल्डन रूल। तो बेसिकली पहले मैं कराता हूँ बेसिक टर्म्स, फिर हमें सीखना चाहिए गोल्डन रूल्स, फिर हमें आना चाहिए किस पे, अकाउंटिंग इक्वेशन पे, और फिर हमें आना चाहिए जर्नल एंट्री पे, क्लियर। जर्नल के बाद जो दूसरा लेवल होता है उसे हम बोलते हैं लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब ये होता है जैसे एक बास्केट है, ठीक है, एक बास्केट है, उसमें आपने सारे फ्रूट्स भर लिए, सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स भर लिए, ये है जर्नल, सारी एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अब उसको अलग अलग बुक में आप डाल रहे हो, छोटी छोटी बास्केट में डाल रहे हो, जैसे एक में फ्रूट्स, एक में वेजिटेबल्स, एक में खराब फ्रूट्स, इस तरीके से। तो लेजर क्या होता है, लेजर होता है हर ट्रांजेक्शन का अपना सेपरेट सेपरेट अकाउंट, जैसे सेल का अलग, परचेस का अलग, कैश का अलग, इस तरीके से, राइट। उसके बाद हम बनाते हैं एक बुक, हमारे पास है सब्सिडरी बुक्स। चैप्टर का नाम क्या है, सब्सिडरी बुक्स। इसमें हम बनाते हैं कैश बुक, और इसके बाद हम बनाते हैं सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, राइट। तो इसे हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। उसके बाद हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। तो बैंक्स में क्या होता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनती है, ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज होती है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। होता क्या है, जैसे आपके पास एक चेकबुक होती है, राइट, और आपके घर में एक रजिस्टर होता है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो। जैसे आपने किसी को चेक दिया तो आप यहाँ रिकॉर्ड कर देते हो, भाई मैंने उस आदमी को चेक दिया है, या आपको कोई चेक दे के जाता है आप रिकॉर्ड करते हो और आप बैंक में उसको डाल के आ जाते हो। तो जरूरी थोड़ा है जिस दिन आपने रिकॉर्ड कर लिया उसी दिन आपके बैंक में वो प्लस और माइनस हो जाएगा, टाइम गैप हो जाता है। तो उस टाइम गैप की वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट।
उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। तो सिस्टमेटिकली देखा जाए तो जर्नल बनता, फिर लेजर बनता, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस कहता है डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये एक तरीके से टैली कर देता है। उसके बाद एक डेप्रिसिएशन बनता है। अगर हमने एसेट्स की बात करी, हमारे पास एक एसेट्स होता है, जैसे मान लीजिए लैंड है, बिल्डिंग है, कंप्यूटर्स हैं, ये हमारे बिजनेस में असेट्स होते हैं, और ये टाइम की वैल्यू के हिसाब से क्या होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो उस कम होने के लिए हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन, और इसका एक रेट हम लगाते हैं 10%, 20%, 30%। इस हिसाब से हम एक सिस्टमेटिक चैप्टर पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन। फिर एक थ्योरी है प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है। तो बेसिकली प्रोविजन प्रॉफिट के अगेंस्ट बनता है, रिजर्व प्रॉफिट के हिस्से से बनता है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल चैप्टर फिर से आ गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब एक सेलर है, एक बायर है, इन दोनों के बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग बनाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर। उसके बाद जब गलतियाँ हो जाती हैं तो हम ऑफिस में करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी अगर कोई एंट्री गलत हो गई, होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने कर दी क्या, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, अब हमें ठीक करना है, तो हम बुक में मिटा नहीं सकते, हम बुक में ऐसी एंट्री पास करेंगे जिससे ठीक हो जाए। तो मान लीजिए एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू सेल्स, हो गई राम टू सेल्स, तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश से कैश कट जाएगा, राम आ जाएगा, सेल बिल्कुल ठीक थी। तो इस तरीके से हम यहाँ करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर, मतलब जब सारी ट्रांजेक्शन ख़त्म हो जाती हैं एट दी एंड, तो बिजनेस का मालिक बनाता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इससे पता चलता है हमें प्रॉफिट कितना हुआ, और इससे पता चलता है हमारी बैलेंस शीट में असेट्स कितने और लाइबिलिटीज़ कितने। एक चैप्टर होता है सिंगल एंट्री का। सिंगल एंट्री का मतलब जैसे लाला जी हैं, लाला जी को क्या है, डेबिट क्रेडिट नहीं पता, वो एक कॉपी में सिंपल लिखते हैं लेना है देना है, लेना है देना है, लेना है देना है, इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। इस सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री को हम डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, तो तभी आपको पता होगा आपकी बुक के फ्रंट पे, 11th की बुक के फ्रंट पे क्या लिखा हुआ है, देखो डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये आपकी अकाउंट्स का नाम है। आपकी बुक का नाम सिंगल एंट्री बुक कीपिंग नहीं है, डबल एंट्री बुक कीपिंग है, यानी जो हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे, वन थिंग शुड बी डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को हम ठीक करेंगे, डबल एंट्री में लाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो ये हमारे पास पूरा क्लास 11th का अकाउंट्स का सिलेबस है। ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा हमारा अकाउंट्स का सिलेबस ऑलमोस्ट 50 to 55 क्लासेस में ख़त्म हो जाता है। 50 to 55 क्लासेस में मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ। देखा जाए तो इसका मतलब ये 4 to 5 मंथ का सिलेबस है। उसके बाद हमें कम से कम इसकी 2 रिवीजन करनी चाहिए, ठीक है। एक रिवीजन हमारी 1.5 मंथ में हो सकती है और एक हमारी 1 मंथ में हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्मॉल वीडियो हो गया। जो बच्चे अभी 10th से 11th में आए हैं, उनको कॉमर्स का पूरा आइडिया लेने के लिए अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल न्यू है। बाकी 11th में इकोनॉमिक्स भी होता है, बिजनेस स्टडीज़ भी होता है, मैं कोशिश करूँगा उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊँ। ये हमारे पास अकाउंट्स की काफ़ी डिमांड आई, तो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने पेरेंट्स को दिखाओ, और तब डिसीजन लो कि हमें कॉमर्स लेना है नहीं लेना है। या आप ऑलरेडी ले चुके तो बस ये समझ लो आप एक नई फील्ड में जाने वाले हो, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।